प्रेरणा कथा। सच की राह कठिन है। एक बार भगवान स्वर्ग और नर्क में अच्छी और बुरी आत्माओं का अवलोकन कर रहे थे। कुछ बुरी आत्माएं भगवान के समक्ष उपस्थित हुई और उनसे शिकायत करने लगी। बुरी आत्माओं ने प्रभु से कहा, प्रभु हमारे साथ इतना बुरा व्यवहार क्यों किया जाता है? अच्छी आत्माओं के लिए सुंदर महल है और हमारे लिए खंडहरी है। हम भी तो आपकी संतान है प्रभु, फिर हमारे साथ ये भेदभाव क्यों होता है? भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, हमने तो सभी को एक जैसा ही जीवन दिया था, पर तुम सब अपने कर्मों के कारण ही बुरी आत्मा बने हो। बुरी आत्माएं ये मानने को तैयार नहीं थी और वो निरंतर ही शिकायतें करती रही। भगवान ने कुछ विचार किया, फिर उन्होंने दोनों अच्छी और बुरी आत्माओं को अपने सामने बुलाया और कहा, आज हम तुम्हारे महल और तुम्हारे खंडहर नष्ट कर देंगे। तुम दोनों ही अपने अपने लिए दो नए शहरों का निर्माण करोगे। दोनों बुरी और अच्छी आत्माएं असमंजस में पड़ गईं। कुछ क्षण बाद एक आत्मा ने कहा, प्रभु शहर निर्माण के लिए हमको ईंटें कहां से मिलेंगी? प्रभु ने कहा, जैसे ही कोई पृथ्वी पर कोई व्यक्ति सच या झूठ बोलेगा तो बदले में यहां ईंटें तैयार हो जाएंगी। ईंटें एक जैसी ही मजबूत होंगी, पर तुम सबको देखना पड़ेगा कि तुम लोग सच बोलने पर बनी ईंटें लोगे या झूठ बोलने पर तैयार होगी। बुरी आत्माओं को मालूम था कि पृथ्वी पर झूठ बोलने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं और इसीलिए उनकी ईंटों की संख्या बहुत ज्यादा होगी और वो एक बहुत विशाल शहर बना सकेंगे। उन्होंने प्रभु से झूठ बोलने पर बनने वाली ईंटें मांग ली। दोनों बुरी और अच्छी आत्माओं ने अपने अपने शहरों का निर्माण शुरू कर दिया। बुरी आत्माओं के पास ईंटों की कोई कमी नहीं थी, इसलिए जल्दी ही उनका एक बहुत बड़ा नगर बनकर तैयार हो गया। अच्छी आत्माओं के नगर का निर्माण धीरे धीरे हो रहा था, क्योंकि उनको सत्य से बनी ईंटें मिलने में दिक्कत हो रही थी। उनके नगर का एक हिस्सा ही बन पाया था। कुछ दिन बाद बुरी आत्माएं बहुत परेशान हो गई, क्योंकि उनके शहर से ईंटें गायब होने लगी। उनकी दीवारों, छतों और अन्य स्थानों से ईंटें गायब होने लगी। उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। कुछ ही दिन में उनका शहर खंडहर बन गया। बुरी आत्माएं परेशान हालत में प्रभु के समक्ष उपस्थित हुई और बोली, भगवान हमारे महल से ये ईंटें क्यों गायब होने लगी हैं? हमारा शहर तो फिर से खंडहर बन गया है। प्रभु ने मुस्कुराकर कहा, वास्तव में कोई खास बात नहीं है, तुम्हारी ईंटें झूठ बोलने पर निर्मित हुई थी। जिन लोगों ने झूठ बोले थे उनके झूठ पकड़े गए और झूठ से बनी ईंटें गायब हो गई। मित्रों, हम में से सभी लोग कभी न कभी झूठ बोल ही देते हैं। हमको लगता है कि कोई बड़ी बात नहीं है, पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि झूठ तो झूठ ही होता है। झूठ बहुत लंबे समय तक नहीं टिक सकता और आज नहीं तो कल पकड़ा ही जाता है। बहुत से लोग झूठ के सहारे से सफलता भी प्राप्त कर लेते हैं, पर अंत में उनके हाथ में बदनामी और असफलता ही आते हैं।
दूसरी तरफ जो लोग सच के रास्ते को अपनाते हैं वो धीरे धीरे चलते हैं, क्योंकि रास्ता इतना आसान नहीं होता, पर उनकी सफलता स्थायी होती है। सच्चाई की ईंटों से बनी बुनियाद पर कोई भी इमारत बहुत लंबे समय तक टिकी रहती है, जबकि झूठ की ईंटें धीरे धीरे गायब हो जाती हैं और महल गिर जाता है। सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।